वेलकम बैक टू द आफ्टरनून शो। मैं हूं यासिर और मेरे साथ है वनीजा और अनवर मकसूद साहब, जो इस वक्त अपने गोल्डन पेन से वनीजा के लिए कुछ बना रहे हैं। ये है ना किस्मत की बात, ये विन विन सिचुएशन है। हाँ है कि चश्मा दोनों ने लगाया हुआ, बना आपके लिए रहे। ये देखें, काश मैं भी चल पाता। ये किस्मत, ये लम्या की नेमत है मेरे ऊपर, तो देखें। और ये दूसरी दफा इन्होंने बनाई है मेरी तस्वीर। पहली दफा के साथ क्या हुआ था? पहली दफा के साथ सुल्ताना आपा के पास है वो तस्वीर। सुल्ताना आपा के दौरान आपकी तस्वीर सुल्ताना आपा के पास है जो अनवर साहब ने बनाई है। इससे ज्यादा क्या लकी हो सकता है कोई? देखें देखें क्या बात है। अब अनवर साहब इसके मेरे उसके बीच में झगड़ा तो नहीं होने वाला? लो, उन्होंने तो नाम ही लिख दिया वनीजा का। अब क्या झगड़ा रह गया उसके बीच में? आहा, अब ये देखिए ना, ये देखिए प्लीज, ये देखिए, ये होता है। ये एक का आप ले, बाकी तो रख दे, मैं अपने लिए भी बनवा लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे मेरे पास अनु साहब की फॉरन, ये आपके लिए, ये मेरे लिए भी काफी है ना। अच्छा अनु साहब, यहाँ पे वैसे अमूमन हम कुछ रिडल्स होती है फनी किस्म की, वो हम पूछते हैं, लेकिन आज हम वो नहीं कर रहे। आज चूंकि आप दोनों अपने अपने काम के बहुत मास्टर हैं, तो हमने कुछ मुश्किल सवाल लाए हैं यहाँ पर, जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे मॉडलिंग के बारे में और अनवर साहब के जो इंटरेस्ट हैं उनके बारे में। अनवर साहब शुरू करते हैं आपसे। ओवल 1952 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट जीता था, उनमें 15 प्लेयर थे, आपको नाम याद है कुछ प्लेयर्स के? कारदार कप्तान थे, सही। ओपनिंग बैट्समैन थे हनीफ मोहम्मद, सही। अली मुद्दीन, बिल्कुल सही। वन डाउन विकार, बिल्कुल सही। विकार हसन, टू डाउन मकसूद, बिल्कुल सही। थ्री डाउन इम्तियाज, बिल्कुल सही। फिर आ रही थी बारी, वजीर मोहम्मद भी थे, बिल्कुल। फिर कारदार, सही। फजल महमूद, बिल्कुल सही। फ़िकार, शुजाउद्दीन, बिल्कुल सही। महमूद हुसैन, खान मोहम्मद के चोट लग गई थी इसलिए वो नहीं खेले थे, ये मैच मुझे ज़बानी याद है। उनको ये भी याद है, वाओ। हमने अपनी तरफ से बहुत मुश्किल सवाल आया था, ब्रेन बूस्टर मैंने पी लिया क्योंकि अनवर साहब ने इतना मुश्किल सवाल का जवाब दे दिया। वनीजा आपसे पूछूंगा सवाल। आई एम अ ड्रेस यू कैन नॉट वेयर, व्हाट एम आई? आई एम अ ड्रेस दैट यू कैन नॉट वेयर, हां, व्हाट एम आई? एड्रेस, एड्रेस, बिल्कुल सही। देखा, ऐसी चीजें ढूंढ के तुम लाओगे, अब पियो ये हरे वाला बूस्टर। हल्क तो नहीं बन जाओगे। ओके, सबसे बड़ी धांधली किस इलेक्शन में हुई? 1977। क्या हुआ? जब भुट्टो साहब जीते थे, मुफ्ती महमूद की जमीयत उलमा इस्लाम की एक पार्टी बन गई थी, 12 जमातें एक तरफ थी, और वो जीत गई थी इलेक्शन, मगर धांधली की वजह से पीयूस पार्टी जीत गई। तो भुट्टो साहब ने मनाने की बहुत कोशिश की, झगड़ा इतना हुआ, पता नहीं सैकड़ों लोग मारे गए सड़कों पे, फिर मार्शल आ गया, दोनों जमातें हट गई। चलिए आपसे अब एक मुश्किल सवाल पूछता हूँ, एक और मुश्किल। सोनम कपूर ने अपनी शादी में किस डिजाइनर का ड्रेस पहना? देखो ना, ये तो सोशल मीडिया पे हर 2 सेकंड के बाद पूरा कंप्लीट करें। सोनम कपूर की शादी की मिठाई भी मैं बता सकती हूँ आपको, कितना कौन सा ड्रेस पहना था फॉर 15 मिनट्स। और कितने पहने थे उसने, याद है आपको? इनको भी ये बात पता है। ये कौन कर रहा है ये रिसर्च? समथिंग वकील, आई कांट रिमेंबर द फर्स्ट नेम। अनुराधा वकील, अनुराधा, क्या बात है भाई, देख ले धांधली हो रही है, धांधली। अनवर साहब, 1971 में पाकिस्तान ने पहला हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, किस टीम के खिलाफ जीता था और गोल किसने किया था? एक गोल था, हाँ जी, एक गोल था, रसूल ने किया था, और वो कैसे कर दिया था पता नहीं। और टीम कौन सी थी? हाँ, पाकिस्तान और स्पेन। किस मशहूर ब्रांड के एक्स डिजाइनर ने, जो अब खुद भी एक डिजाइनर है, एक मूवी डायरेक्ट की थी? डिजाइनर का नाम बताएं और मूवी का टाइटल बताएं। दो, एक ही डिजाइनर ने की है, टॉम फोर्ड ने, उसके अलावा तो किसी ने नहीं की, और वो मैंने फिल्म देखी है, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज, वेरी डार्क मूवी, बड़ा अच्छा शूट हुआ था।
नाम बताएं और उसका नाम बताएं डायरेक्टर का। टॉम फोर्ड की क्या मूवी का नाम था? मूवी थी टॉम फोर्ड ही है डायरेक्टर, है डायरेक्टर है, मगर डार्क मूवी है यार, बहुत हाँ। बहुत डार्क मूवी थी, है ना, लग रहा था पूरे अंधेरे में ही शूट हुई है, लाइट गई हुई थी, उधर भी लोड शेडिंग हो रही थी, कोरंगी में किया, कोरंगी में किया, और बड़ी कोई सिनिस्टर किस्म की अजीब सी मूवी थी, सिंगल मैन, लेकिन क्या शॉट्स थे, एवरी फ्रेम वाज ब्यूटीफुल, बजाएं भाई, ब्यूटीफुल भाई, ये है। अनु साहब, पहली पाकिस्तानी फिल्म आपने कौन सी देखी? मैंने देखी पहली पाकिस्तानी फिल्म 3.5 लाख। ये तो कोई फिल्म नहीं है साहब। नहीं, 7 लाख थी, मैं इंटरवल में उठ के आ गया था। सही सो। ये हमने इनके इंटरव्यू से निकाला था कि मैंने पहली पाकिस्तानी फिल्म वो देखी, तो मैंने देखा था, इनको याद है कि नहीं। अच्छा, आपसे सवाल है, कोको शनेल का रियल नेम क्या था? गैब्रियल। बाय द वे, यू शुड वॉच दैट मूवी, बहुत अच्छी मूवी है, वेरी इंस्पिरेशनल। अनु साहब, आपसे आखिरी सवाल है, 1971 में मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ था, जो कि एक सैड बात है, लेकिन एक अच्छी चीज भी हुई थी। 71 पाकिस्तान के नए वजीर आजम ने अपना करियर शुरू किया, इमरान खान ने। वाह, अनवर साहब ने सही जवाब दे दिए सारे। अब अगर वनीजा इस बात का सही जवाब देती हैं, मैं तो वैसे पहली दफा तैयार हूँ। पहली दफा इस शो पे ऐसा होगा कि दोनों लोगों ने दोनों सारे सही जवाब दिए होंगे, वरना वनी हार जाएंगी। वो कौन है जिसका जिसके परफ्यूम ने फर्स्ट डे पे $10 million का बिजनेस किया? ये भी आपकी द कार्डशियंस, किम कार्डशियन। या वे टू गो, आई से बाय द वे, एक नई शुरू हो गई है। काइली जेनर was on the Forbes list of billionaires. उन्होंने भी अपनी मेकअप लाइन निकाली है, and it has done wonderfully. Yeah, amazing. वैसे हम ये हारने वाले को देते हैं हमेशा, ताकि वो घर जाके पिए और उसका ब्रेन बूस्ट हो। आज ये मैं अपनी टीम को दूंगा कि वो पिए और अगली दफा कुछ और मुश्किल सवाल निकाले हैं, क्योंकि जब ऐसे लोग आ जाते हैं तो फिर कुछ बता नहीं हो सकता। धांधली हुई है, धांधली। पहली दफा ऐसा हुआ है, विनी, ये आपके लिए। थैंक यू। और अनु साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। प्लीज आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि